गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन योर मैथ क्लास वी डू एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 इन योर बुक एंड क्वेश्चन नंबर 2 डू इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी बुक में ही करना है और क्वेश्चन नंबर 2 नोटबुक में करना है। अब तक जो हम करते आ रहे थे बेटा वो थे विदाउट कैरी। अब जो आज हमारे सम आ गए हैं वो टू डिजिट्स में कैरी वाले सम्स आ चुके हैं, तो अब आप इनको क्या करना है, ऐड करना है। हमें देखिए ए वाला सम देखिए 35 + 38, तो हमें एडिशन के साथ हमने कैरी वाले अपनी कॉपी में कर रखे हैं, बुक में भले ही अभी हमारे आए हों, तो क्या करेंगे, इधर हमें पता है कि वंस वाले नंबर ऐड करने पहले, तो 5 और 8 ऐड करना हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी बेटा 1 2 3 4 5, 5 ऐड किया, सॉरी काउंट किया, 5 काउंट किया, उसके बाद कितना काउंट करेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट एंड पे आ जाइए 8, यहाँ तक हो गया हमारा 8। अब यहाँ तक हमने जहाँ तक गिना है वहीं से हमें बैक चलना है, इकट्ठे काउंट करना आप सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आ गया हमारा 13। तो ये अब 13 का 3 लिखेंगे। अब जो ये येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें हम अपनी कैरी लगा सकते हैं, ये 1 कैरी का हो गया हमारा। अभी क्या करना हमें, इन तीनों नंबर्स को 1 को 3 को और 3 को ऐड करना। तो सबसे पहले कैरी से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 काउंट कर लिया कैरी का, अब क्या है 3, 1 2 3, फिर क्या है 3, 1 2 3, यहाँ तक पहुँच गए। अभी इकट्ठे काउंट करेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया 7। आप अच्छे से कर चुके हो इन सम्स को, कैरी वाले सम्स सभी को आते हैं आई थिंक। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 8 पार्ट है, ये आपको अपनी बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट इन कॉलम्स एंड ऐड। इसको क्या करोगे आप, अपनी कॉपी लेनी है आपको, एक्सरसाइज 3.3 डालो उसमें और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट उतारो, राइट इन कॉलम्स एंड ऐड, फिर ए वाला सम 32 + 79, फिर लिखो टेंस और वंस उसका 32 + 79, ऐसे कॉलम्स में लिखना उनको और ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, जैसे पीछे बताया मैंने अभी उंगलियों पे काउंट करके, कैरी वाले सम्स हैं आपके, 2 + 9 11 हो जाएगा, 11 का 1 और 1 कैरी हो जाएगा, 7 और 3 10 10 और 1 11, तो ये इस तरीके से आपके सम्स सोल्व करने हैं आपको। जैसे कि फिर बी वाला इधर ही कर लेना क्योंकि स्पेस इधर वाला बच जी जाएगा आपकी कॉपी में। बी वाला देखो 92 + 19, तो क्या करोगे, टेंस वंस कॉलम्स में इनको पुट कर लोगे, 92 + 19, 2 + 9 क्या होगा हमारा 11, 11 का 1, 1 कैरी, 9 + 1 10 10 और 1 11, 111 आंसर आ गया, इसका भी 111 ही आ गया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर सम हमारा कैरी वाला ही हो, ठीक है, ये भी याद रख लेना, ज़रूरी नहीं कि हर सम कैरी वाला ही हो। 54 + 81 है, ये विदाउट कैरी है, तो क्या करेंगे, 54 + 81 कॉलम्स में रख लिया इनको, 4 + 1 क्या आ गया 5, 5 और 8 क्या हो गया 13, तो इसमें तो कैरी कहीं नहीं लगी। तो ये ज़रूरी नहीं है हमारे कैरी वाले सम्स आ गए हैं लेकिन मिक्स हैं अभी में, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हर वाला कैरी और कैरी ना लगती हो तब भी आप कैरी लगा के सम को मिस्टेक कर दो। अब देखो 52 + 53 क्वेश्चन नंबर डी है आपका, ये तो 52 + 53, 2 + 3 कितना हो गया 5 और 5 और 5 कितना हो गया हमारा 10, आंसर हो गया 105। तो क्वेश्चन नंबर एल तक 12 पार्ट्स ये हैं और 8 पार्ट वो उसके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी बुक में ही फिल करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।